दोस्तों सीजन 4 का न्यू सीजनल मिशन आ चुका है जिसको हम लोग फुल डिटेल फास्ट मोड पर कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा फुल डिटेल मिशन वीडियो और अपकमिंग लीक्स के बारे में भी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीजनल मिशन में चलते हैं। और अगर आपको आपको फीचर्ड इवेंट से ये रिवॉर्ड मिला है कि नहीं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, हम लोग चलते हैं जल्दी से सीजन मिशन में। तो सीजनल इवेंट का नाम है फ्लैंक एंड शैंक। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट मिशन जल्दी से देखते हैं। तो फर्स्ट मिशन है थ्रो 5 फ्लैश बैंग ग्रेनेड इन एमपी मैचेस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मल्टीप्लेयर में जाना है, मल्टीप्लेयर के लोड आउट ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पर टैक्टिशियन ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको फ्लैश बैंक जो है ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्विप कर लेना है और आपको कुछ नहीं मल्टीप्लेयर में सिर्फ 5 बार यूज करना है, बस आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ईजी मिशन है। तो आपको फ्लैश बैंक जो है इस तरह फेंक देना है और आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपको 5 बार इस तरह फेंकना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट मिशन जो है ओपन हो जाएगा। तो इसको स्किप करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट मिशन में। तो नेक्स्ट मिशन है यूज़ द यूएवी स्कोर स्ट्रिक 3 टाइम इन एमपी मैचेस। ये भी इजी मिशन है बहुत ही। आपको मल्टीप्लेयर के लोडआउट में जाना है और यहाँ पर स्कोर स्ट्रिक जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आप क्लिक कीजिए और आपको यूएवी जो है सेकेंड नंबर इसको आपको यूज करना है ओनली 3 टाइम मल्टीप्लेयर में। बहुत ही ईजी मिशन है। और दोस्तों मैं सभी मिशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा नया सीओडी प्लेयर ज्वाइन हुआ है, इसलिए मैं सभी बताता हूँ। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लेयर में ये यूएवी यूज करना है 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम यूज करने से आपका नेक्स्ट मिशन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसको स्किप करते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से नेक्स्ट मिशन देखते हैं। नेक्स्ट मिशन है अर्न द 1000 स्कोर स्ट्रिक पॉइंट इन एमपी मैचेस। ये आपको टाइम लग जाएगा लेकिन आपको ये कंप्लीट करने में आसानी मिलेगा। आपको दोस्तों जो स्कोर स्ट्रिक से आप ज़्यादा किल कर पाते हैं, जो भी स्कोर स्ट्रिक है आपका फेवरेट जिससे आप ज़्यादा किल करते हैं उसी को ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने से क्या होगा, जैसे ये सेंट्रीगन मैंने इक्विप कर दिया, ये सेंट्रीगन इसका किल कर रहा है, ये मुझे पॉइंट मिल रहा है। दोस्तों देख सकते हैं ऊपर मुझे मेडल मिल रहा है। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझे ऑटोमेटिकली मेडल मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप भी इसको स्ट्रिक यूज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हासिल कीजिए 1000। तो इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट मिशन पे। नेक्स्ट मिशन है किल 5 इनिमीज विथ एनी मेली वेपन इन एमपी मैचेस। ये भी बहुत इजी मिशन है। मल्टीप्लेयर के लोड आउट में जाएंगे और एक सेकेंडरी वेपन ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, इसमें आपको मेली वेपन सेलेक्ट करना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर जो है इसमें ही मेली ऑप्शन है। आपको इसमें से जो भी मेली आपको अच्छा लगता है, आपका फेवरेट मेली वेपन जो भी है उसको आप इक्विप कीजिए और आप उसी से ही 5 इनिमीज का किल कीजिएगा। बहुत ही ईजी मिशन है ये भी। दोस्तों देख सकते हैं एक बार में ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह आपको टोटल 5 किल करना है, आपको पता ही है ये सब। तो इसको स्किप करते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से नेक्स्ट मिशन देखते हैं। नेक्स्ट मिशन है किल 10 इनिमीज विद द शैडो ब्लेड ऑपरेटर स्किल इन एमपी मैचेस। अगर ये शैडो ब्लेड आपके पास नहीं है तो स्टोर ऑप्शन के क्रेडिट शॉप पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर स्किल में क्लिक कीजिए और यहाँ पर शैडो ब्लेड जो है ये आपको मिल जाएगा। आप आराम से इसको यूज कीजिए, टोटल 10 टाइम किल कीजिएगा इस शैडो ब्लेड से। आपको टोटल 10 किल करना है। ठीक है, तो इस तरह आपको टोटल 10 किल करना है शैडो ब्लेड से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट मिशन में। नेक्स्ट मिशन है अर्न द बैक स्टेबर मेडल ट्विक इन एमपी मैचेस। आपको 2 बार बैक स्टेबर मेडल हासिल करना है। ठीक है, तो आपको मेडल सबसे पहले दिखा देते हैं। मेडल दोस्तों इस तरह का स्ट्रक्चर है। आपको क्या करना है, मेडल में मिशन दिया हुआ है किल एन एनिमी फ्रॉम बिहाइंड विथ एन इक्विप मेली वेपन। दोस्तों आपको मेली वेपन से बैक साइड पर इनिमीज के बैक साइड पर आपको मारना है जिससे उसका किल हो जाएगा और आपको ये बैक स्टेबर मेडल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको गेम प्ले करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना फेवरेट मेली वेपन ले लीजिए, कोई भी आपका फेवरेट मेली वेपन है उसको आपको इक्विप कर लेना है। तो मैं कटाना फिलहाल ले रहा हूँ। तो इनिमीज के बैक साइड पर जैसे ही मारेंगे आपको बैक स्टेबर मेडल मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं मुझे मिल गया है। तो इस तरह को पीछे इनिमीज के पीछे मारना है। ठीक है, बैक साइड पर दोस्तों देख सकते हैं जैसे बैक साइड पर मारेंगे आपको ये मेडल मिल जाएगा। अगर आप बैक साइड पर नहीं मारते तो आपको मेडल नहीं मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों जब ये मेडल अर्न कर लेंगे तो आपको काली स्टिक्स जो ये स्टिक है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप स्टेबर मेडल बैक स्टेबर मेडल हासिल कर लेते हैं। तो लास्ट मिशन इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो लास्ट मिशन में आ गए हैं। लास्ट मिशन है किल 15 इनिमीज विथ एनी काली स्टिक्स। तो आपको 15 इनिमीज का किल करना है काली स्टिक वेपन से, यानी मेली वेपन है ये भी। तो ये जो आपको मिला है इससे ही आपको 15 इनिमीज का किल करना है, फिर आपका सारा मिशन
कंप्लीट और आपको सभी स्किन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसे ही फुल डिटेल मिशन वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।